फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के पड़ पोते इब्ने याह्या रहमतुल्लाह अलैह ने रूही वसेब को तबलीग इस्लाम का मरकज बनाया और यहीं आबाद हो गए। और फिर इसके साथ सदियां गुजरती चली गईं और इन सदियों के चल चलाओ के साथ साथ नस्ल फारूक आजम भी इस खित्ते को नूर इस्लाम से मुनव्वर करने में मसरूफ़ अमल रही। और फिर 19वीं सदी के वस्त में इस अजीम खानवादे में एक खुर्शीद, एक आफ्ताब, एक महताब तुलू हुआ जिसने इस वारफ्तगी से नाराए मस्ताना लगाया कि पूरा खित्ता शराब मार्फत से मस्तो अलस्त हो गया। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, मेरा ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिन जहान भी तू, इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। ये नाराए मस्ताना बुलंद करने वाले सिलसिलाए चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह थे। आपकी वालदाए मोहतरमा को बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह से खास मोहब्बत व अकीदत थी, इसी निस्बत से उन्होंने आपका नाम गुलाम फरीद रखा। आज वसेब गुलिस्तान रूही का जर्रा जर्रा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के नगमाए तौहीद से गूंज रहा है। आपका मज़ार कोट मिठन शरीफ मरजय खलाइक आम है। आज का कोट मिठन शहर सैकड़ों साल पहले की वही बस्ती है जिसे नस्ल फारूक आजम ने इस खित्ते में तबलीग इस्लाम का मरकज बनाया। आज खलकत की एक बड़ी तादाद यहाँ आबाद है और एक बड़ी तादाद मुल्क के तूल व अर्ज से यहाँ उसूल फयूज़ो बरकात के लिए खींची चली आती है। ज़हे नसीब के इन खींचे चले आने वालों में क़िबला तस्लीम रज़ा दामत बरकातुल आलिया भी शामिल हैं। आपको हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह मोहब्बत व अकीदत है। आपके बेशतर बयानात ख्वाजा ग़ुलाम फरीद के अशार से मुजज़न हुआ करते हैं। गुज़िश्ता दिनों क़िबला तस्लीम रज़ा दामत बरकातुल आली ने उलमाए कराम ज़ीवक़ार के हमरा कोट मिठन शरीफ के सफ़र का कसद किया और रवाना हुए। इस काफिले की क़यादत हज़रत अल्लामा रिजवान अहमद नक्शबंदी मज़िल्लाहुल आली फरमा रहे थे। इस काफिले की रवानगी का मकसद उस अजीम हस्ती को खिराज अकीदत पेश करना था कि जिसके सोजो कलाम की तपिश से आज भी उस शाख के सीने दहक रहे हैं, जिसकी फिक्रे मस्तो अलस से तौहीद के जामो सुबू आज भी रेगजार रूही को गुलजार बना रहे हैं। इस काफिले में अल्लामा मुफ्ती फारूक अहमद मदनी, सना खां सईद शहनशाह, सना खां हाफिज नबील दानियाल, महतरम फराज गौरी, मोहम्मद उस्मान और हमजा खान शामिल थे। हसरत उम्मीद दीदार से लबरेज ये काफिला जब मज़ार पुरानवार पहुंचा तो एक मीठी मीठी भीनी भीनी महक, एक पुरनूर सहरंगेज फिजा ने शुरुकाए काफिला को अपने हिसार में ले लिया और हाफिज नबील दानियाल भी वज़्द में आ गए और उन्होंने ख्वाजा ख़ाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में मनकबत सर मज़ार पेश की। चराग चिश्त शगे औलिया गरीब नवाज, मेरे हुजूर मेरे पेशवा गरीब नवाज। दुआ और फातिहा खानी के बाद अल्लामा रिजवान अहमद नक्शबंदी ने अपने एहसासात का इजहार इन अल्फाज में फरमाया। आज यहाँ हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनके मज़ार अक़दस पे हाज़िरी की सआदत हासिल हुई अहबाब के साथ,
ये औलियाउल्लाह के आस्थाने, ये अल्लाह की रहमत के मरकज हैं। यहाँ दिलों का सुकून है और दिलों का इत्मीनान है। और जाहिर है कि इन हस्तियों ने जो अपने रब से ताल्लुक़ कायम फरमाया, उस ताल्लुक़ की जो बरकतें हैं, उसका जो फैजान है, वो अब तक जारी और सारी है। और चूँकि उनका ताल्लुक़ अब तक कायम है, लिहाजा उसका फैजान भी जारी है। अब असल बात यह है कि इस फैजान को हासिल करने के लिए आदमी की अपनी सलाहियत दरकार है। जो जिस नियत से और जिस इरादे से हाजिरी देता है, उसको उसी तरह इन बुजुर्गों की बारगाहों से फैजान हासिल होता है। जितने अदब से और शरीयत मुताहरा के मुताबिक और शरई तरीके से, बादब तरीके से, अच्छी नियत के साथ, मोहब्बत के साथ जो भी हाजिरी देगा, क़यामत तक उसको इन हस्तियों का फैजान नसीब होता रहेगा और सुकून मुयसर आता रहेगा। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों का फैज़ अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क़िबला तस्लीम रज़ा दामत बरकातहुम अलिया ने अहवाल दिल हिजरा को इन अल्फाज का पैरहन दिया। आज हज़रत क़िबला ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी काफ़ी कलाम हम सुनते रहे और आज हमें यहाँ हाजिर होने का मौका मिला, और ख़ास तौर पर हजरत की जो ये कलाम है उनका, कि मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरी जिंद भी तू, जिंद जान भी तू, ये अक्सर मैं मतलब गुनगुनाता रहता हूँ। तो आज मुझे हजरत के दरबार पे हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ। तो दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला बुज़ुर्गों का फैज़ान इसी तरह जारी व सारी रखे और हमें इनकी सही तालीमात पर अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता करे। शुरकाए काफिला ने मज़ारे पुर अनवार की ची भर कर ज्यारत की। बकौल अल्लामा इकबाल, अहवाल खातिर ये था कि जाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, वो देखना तो दीदे दिल वाह करे कोई। इस अजीम आशिक़ सादिक, इस अजीम हस्ती के मज़ार अक़दस के नज़ारे थे, और हर गोशे से, हर पत्थर से, हर महराब से, हर नक्श से, हर निगार से, सहन से, दरीचे से, दरो दीवार से, इस तादा गुम्बदो मीनार से, चौखट से, आस्ताने से, चिश्तिया मैखाने से आने वाली एक ही आवाज़ थी, एक ही झंकार थी, एक ही नगमा था, एक ही सदा थी। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, मेरा ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिन जान भी तू, यार भी तू।